हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से आज की पूरे दिन की ट्रेडिंग रही है, क्या सेंटिमेंट रहे हैं। आज से जैसे मैंने आप शायद डिस्कस किया था, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का ऑलरेडी स्टार्टिंग हो चुकी है। नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत। हम लर्निंग पर्पज के लिए वन बाय वन करके सारी वीडियो को चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। आज जन्माष्टमी है तो सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे। फ्रेंड्स, चार्ट की बात करते हैं, डॉलर इंडेक्स वन ऑफ द फेवरेट। अगर डॉलर इंडेक्स में कुछ चेंज रहता है तो उसका इंपैक्ट आपको सिल्वर और गोल्ड में होता हुआ देखने को मिलता है। तो डॉलर इंडेक्स को जैसा आपने यहाँ पे देखा कि ओपनिंग होने के बाद में धीरे धीरे करके अपसाइड ये इंडिकेशन बनाता है हायर साइड जाने के लिए। तो इसके कंपेरिजन में जो गोल्ड और सिल्वर में था उसमें मोमेंटम रहा है, बट उतना स्ट्रांग मूव नहीं रहा है। 400-500 पॉइंट के अराउंड में मूव किया है। अब यहाँ पे लगभग 0.16% के आसपास की तेजी रही है। अब थोड़ा सा यहाँ से ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा, थोड़ा अप एंड डाउन मार्केट करता रहेगा। मेजर ट्रेंड कब रहेगा उसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है, किस दिन रहेगा वो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 4 आवर में भी अगर आप देखते हो तो ओवरऑल कंडीशन के लिए अगर यहाँ पे वॉच कर रहे हैं तो 4 आवर में भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन बनाता हुआ इस लेवल में एंट्री कर गया है। हमारे लिए 100.7 का जो लेवल है इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है, ये अलर्ट लेवल है। साथ में जो 2500 का पॉइंट है, 2500 के आसपास ऑलरेडी सिल्वर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। पूरे दिन की रेंज अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 2540 के अराउंड में ट्रेड किया है और उसके बाद में दोबारा से डाउन साइड आया है और इसी लेवल में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ का इंडिकेशन देख रहे हैं तो लगभग आपको थोड़ा प्लस और माइनस होता हुआ ही देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में अगर इंडियन गोल्ड की बात कर लेते हैं तो इंडियन गोल्ड का जो अभी ओवरऑल कंडीशन रहा है, लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास मोमेंटम रहा है। मॉर्निंग सेंटीमेंट्स की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें लगभग 71,200 से लेके 71,750 का हाई लगाया। अब ये हाई अगर आप दोनों कंडीशन देखते हैं और रेगुलर में वीडियो वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर आपको यहाँ से कुछ कंडीशन समझ में आई होगी। अगर इसके बाद प्रेशर होता तो इस लेवल को ये लगातार हिट करने के बाद में ब्रेकआउट करने की कोशिश करता। अगर इतना ज़बरदस्त से डाउन साइड आया है, लगभग 250 पॉइंट नीचे आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी बायर्स उतने इंटरेस्टेड नहीं ले रहे हैं जैसा इनको लेना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी ये 70,500 से बढ़ता हुआ लगभग 1200 पॉइंट तीन दिनों में मूव ये ऑलरेडी कर चुका है। 22 को यहाँ पे था, उसके बाद में 23, 24, 25 होता हुआ यहाँ तक पहुँच चुका है 26 को। ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव रही है, बट स्टिल अभी साइडवेज होने के चांसेस यहाँ बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। 4 आवर में अगर आप देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न इंगल्फ करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ तक रहता तो दोबारा से 71,200 इसके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा, जो इसके लिए रेंज का भी फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम सिल्वर कॉमेक्स की बात कर लेते हैं तो कॉमेक्स का कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो 4 आवर सेटअप में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अच्छी ब्रेकआउट करने के बाद में दोनों लगभग सिमिलर टाइप की कैंडल बनाया है। इसको आप ट्विजर टॉप भी बोल सकते हैं, थोड़ी कैंडल अप एंड डाउन है, बट ये भी ट्विजर टॉप का ही कंडीशन आता है। इसके लिए नीचे सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं तो इसमें 29.7 यहाँ से इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस रेंज में ट्रेवल करता है तो डेफिनेटली जो इंडियन सिल्वर है उसको भी एक रेंज का फॉर्मेशन करता हुआ देखने को मिलेगा। ओवरऑल पूरे दिन की ट्रेडिंग की अगर आप बात कर लेते हैं तो कंडीशन बेटर रही है, मोमेंटम रहा है, उसके बाद इंडिकेशन दिया है, फिर डाउन मूव आया, सडन स्पाइक यहाँ पे होता हुआ नहीं देखने को मिला। इस वजह से यहाँ पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ में लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप रहता है। आप यहाँ लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी उसमें ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे जैसे होता है कि टेस्ट मैच की तरह होता है, इस तरह से इसमें जब मोमेंटम होता है तो ज़बरदस्त होता है, अदरवाइज मार्केट साइडवेज ही चलता है। तो आज भी यहाँ पे ज़बरदस्त मूव किया है। अगर लो की बात कर लेते हैं तो 29.7 से लेके हाई 30.2 तक का इसे रेंज लगाया है और दोबारा से 30 के नीचे आ चुका है, 30 से लेके 29.7 इसी बीच में हम फाइनल इसकी क्लोजिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अब नेक्स्ट इसकी बात देख लेते हैं सिल्वर मिनी का जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसको आप देखते हो तो हमारे लिए जो कंडीशन बनी हुई थी मॉर्निंग में हम डिस्कस कर रहे थे, उस समय इस रेंज में ये कहीं ओपन होने वाला था। ओपन होता है डाउन साइड, उसके बाद धीरे धीरे इसको जो हायर साइड निकलता है तो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस लेवल था 88,300-88,400 का लेवल, इससे ऊपर निकलते हुए हायर पॉइंट बनाता है लगभग 800 के आसपास। तो यहाँ कंडीशन अगर आप देखते हो तो एक दिन में ही मार्केट, अगर प्रीवियस डे से बात कर लेते हैं तो 1000 पॉइंट के मूवमेंट किया है, अगर लो की बात कर लेते हैं तो भी यहाँ से लगभग 1200-1400 पॉइंट का मोमेंटम रहा है। अब गिरावट के लिए अगर आप यहाँ देखोगे, ये सारी ऑलरेडी
वर्क कर चुका है उसके, इसलिए हम इसको डिस्कस करें। ये जो रेंज का ब्रेकडाउन किया है इसके पहले आपको ये अलर्ट किया है लगभग 150-200 पॉइंट के आसपास, उसके बाद में ब्रेकडाउन किया है। अब इसके लिए ये जोन जो इसको ये बेस बना के हायर साइड निकला है 88,000 से लेके 87,500, ये इंपॉर्टेंट 500 पॉइंट का रेंज है, इसको ये ब्रेक नहीं करना चाहिए एज़ पर माई व्यू। फाइनल क्लोजिंग इसी रेंज पर रहेगी। तो ऑलरेडी फर्स्ट हाफ में मोमेंटम हायर साइड के लिए रहा, सेकंड हाफ का मोमेंटम डाउन साइड के लिए रहा। ओवरऑल दोनों कंडीशन में अगर आपने देखा होगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने ग्रैब की होगा। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जो कल का मूव था क्लोजिंग टाइम में, उसके बाद में ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहता है, फिर यहाँ पे एक थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसका फॉलोअप आना है, डाउन साइड आना है, तो डेफिनेटली इस जोन में आके ये बड़ी सी रेड कैंडल बनाता हुआ क्लोज करेगा। अगर ऐसा कुछ फॉर्मेशन आज होता है तो हम कल अलर्ट के लिए रहेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी डाउनसाइड के लिए रहेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, यहीं पे इसको क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसके नीचे नहीं क्लोज करना चाहिए। अगर बाइंग की बात कर लेते हैं, अगर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है यहाँ पे कि थोड़ा सा ओवर डाउन साइड आता है 88 के आसपास, थोड़ा यहाँ पे रिस्क आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा और रिवार्ड भी आपका छोटा ही रहेगा। मॉर्निंग सेंटीमेंट्स में अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिली होगी। अगर मिली होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन पे अपडेट मिलती रहे। अब ये जो जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है कंटिन्यू, ओवरऑल पॉजिटिव साइन है, बस इसको क्लोज पॉजिटिव साइड में करना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 70% चांस था हायर साइड के लिए, कुछ कंडीशन थी डाउन साइड क्लोज ओपन हुआ फिर फाइनली ऊपर ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे भी अच्छा, आई होप आप लोगों ने पॉइंट कैप्चर किया होगा, आपने वीकली एनालिसिस की वीडियो और आज मॉर्निंग की वीडियो देखी होगी। तो अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा सिल्वर माइक्रो के ऊपर। माइक्रो की कंडीशन को अगर आप पास कर लेते हो तो सिमिलर टाइप ऑफ फॉर्मेशन यहाँ भी किया है, फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव साइन, सेकेंड हाफ में नेगेटिव साइन, दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इंडिकेशन नहीं किया, आप सारी कैंडल यहाँ पे देख सकते हैं वन बाय वन करके डाउन साइड की पॉसिबिलिटी, सभी ने लोअर लो का फॉर्मेशन किया है और ज़बरदस्त फॉर्मेशन किया है। तो यही हमें कैप्चर करना पड़ता है, यही हमें देखना पड़ता है। यहाँ ये रेंज का फॉर्मेशन, रेंज जब ऊपर निकला, रेंज का आपका SL था, रेंज का लोअर पॉइंट और इसके ऊपर आपका टारगेट था। टारगेट आपको देखोगे लगभग 88,800 के आसपास का मोमेंटम किया है और यहाँ पे 88,000 पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। अगर उससे भी पहले आप देखें 87,900 के आसपास से पॉसिबिलिटी बनानी स्टार्ट कर दी थी कि मैं हायर साइड जाने के लिए रेडी है, क्योंकि आज की जो इसकी ओपनिंग थी उसके बाद में तीन कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा किया कि ये पॉजिटिव साइन इंडिकेशन कर दिया था। नेगेटिव साइन के लिए भी इसने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिकेट कर दिया कि मैं नेगेटिव जाने वाला हूँ। दोनों कंडीशन में आपको यहाँ पे वॉच करना था और देखना था। नेक्स्ट अगर यहाँ पे 4 आवर में देखते हैं, 4 आवर कंडीशन में अगर इसी क्लोजिंग 88 के नीचे हो जाती है तो एक नेगेटिव इंडिकेशन यहाँ बनने की कोशिश करेगा, ये आपके लिए अलर्ट लेवल है। साथ में अगर पॉजिटिव साइन की बात कर लेते हैं तो ये जोन जो 87,800 का है, 87,800 से लेके 87,600, ये जो 200 पॉइंट है बहुत क्रूशियल है, इसके नीचे मार्केट को ये फिलहाल जाने नहीं देने का, जो अभी इसके लिए 300-400 पॉइंट का मोमेंटम है। इनकेस ये इसके नीचे निकलता तो ये इसके सपोर्ट के लिए रेडी रहेगा। अभी इसने हायर साइड में अगर आप देखते हो तो ये भी एक नेगेटिव साइन ही बनाना कोशिश कर रहा है। फाइनल कन्फर्मेशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने इस कैंडल में कहीं अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रखी तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस 88,350 के आसपास या फिर 400 के आसपास बना के रखिए, या फिर अपनी जहाँ पे बाई कर रखा है वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए, जिससे आपके अगेंस्ट भी अगर यहाँ पे कुछ होता है तो वो आपके ऊपर इम्पैक्ट ऐसा ना पड़े जिससे आपकी कुछ प्रॉब्लम होने के चांसेस बने। डेली में अगर आप कंडीशन देखते हो तो ज़बरदस्त फॉर्मेशन रहा है, पॉजिटिव साइन रहा है, लेकिन अभी जो यहाँ पे ओवरऑल कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे लिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लोजिंग के लिए 87,800 से लेकर 600 तक ये 200 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं रही, फाइनली अप एंड डाउन करके हायर साइड की क्लोजिंग एक पॉजिटिव साइन ही रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।